जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि दोस्तों होमगार्ड संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है दोस्तों हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। तो देश के सभी होमगार्डों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, हाईकोर्ट का आपका फैसला आ चुका है, यानी सम्मान काम के लिए सम्मान वेतन है वो अब होमगार्डों को मिलने वाला है। तो कौन से राज्य में होमगार्डों का वेतन बढ़ने वाला है, किसको कितना भत्ता मिलने वाला है, साथ ही सभी राज्यों के हम मुख्य मुख्य खबरें देखने वाले हैं कि होमगार्ड संबंधित है कौन से राज्य में, क्या आपकी खबर है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस करें। दोस्तों होमगार्ड संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी छोटी छोटी खबर होती है लगातार दोस्तों हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। तो पहली न्यूज़ दोस्तों देख लेते हैं हम राजस्थान की है। उससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कौन से राज्य में होमगार्ड में कार्य करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं, ताकि दोस्तों आपके राज्य की होमगार्ड संबंधित कोई भी न्यूज होगी तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। तो पहला न्यूज़ जैसे कि आप देख सकते हैं ऑफिशियली लेटर हम लगातार आपको प्रोवाइड करवाते हैं, यानी दोस्तों जो भी आपकी ऑफिशियल न्यूज है वही लगातार हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जारी किया गया श्री ओम बिरला माननीय सांसद कोटा बूंदी 50B नगर कोटा राजस्थान के द्वारा, यानी इनके इनको ये पत्र लिखा गया है और हाल में ही पत्र ये लिखा गया है। इसमें क्या क्या बोला गया हम देख लेते हैं। उपरोक्त विषय अनुसार संदर्भ पत्र में कम में निवेदन है कि राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन कोटा द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के संबंध में विभागीय टिप्पणी नियमानुसार सूचना प्रस्तुत थी, यानी होमगार्ड अधिनियम 1962-63 संशोधन कर होमगार्ड की 12 माह ड्यूटी लगाने के संबंध में, यानी ये लेटर लिखा गया जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है श्री ओम बिरला जी उनको लिखा गया है कि जो भी आपका होमगार्ड अधिनियम 1962-63 है उसके तहत सभी होमगार्डों को, यानी जो सभी राज्य के होमगार्ड हैं ना कि राजस्थान के, उनकी जो ड्यूटी है वो 12 महीने होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जितनी आप ड्यूटी करते हैं उतने आपको पैसे मिलते हैं, बट आपकी अब ड्यूटी है वो 12 मंथ तक हो सकती है। अगर आपकी ड्यूटी 12 मंथ तक रेगुलरली होगी, यानी मंथ में आपके 30 दिन ड्यूटी होगी, तो आपके 600 रुपये पर डे के हिसाब से 18,000 रुपये आपका मिनिमम, यानी आपको सम्मान काम सम्मान वेतन के हिसाब से 18,000 रुपये कम से कम आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपका लेटर है, यहाँ आपका दैनिक ड्यूटी बता है 590 अभी दिया जा रहा है, उसको 693 प्रतिदिन आपका है वो किया जाए, तो ये आपका लिखा गया है। अगली न्यूज देख लेते हैं, होमगार्ड ने लगाई गुहार, भुखमरी से बचाओ सरकार। तो ये आपके उत्तर प्रदेश का न्यूज है, जिन होमगार्डों को निकाल दिया गया है शास्त्रीय घाट पर अपनी मांगों समर्थन में आवाज बुलंद करते हैं होमगार्ड। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की अवैतनिक अधिकारी और कर्मचारी एसोसिएशन ने शास्त्रीय घाट पर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी संख्या में होमगार्ड को हटाए जाने से शुक्रवार को है इनका धैर्य जवाब दे गया। और अगर आप उत्तर प्रदेश के होमगार्ड, तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अभी हाल ही में ही जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं उनका एक बयान आया है, उसके तहत उन्होंने बोला है कि उनको परमानेंटली हमने निष्कासित नहीं किया, यानी निकाला नहीं है, जब भी होमगार्डों की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले उन्हीं होमगार्डों को है वो वापिस लिया जाएगा। तो अगली देख लेते हैं न्यूज़, अगली न्यूज़ क्या है, नौकरी से निकाल दिए होमगार्ड जवानों के लिए ने किया विरोध प्रदर्शन। तो यहाँ जैसा कि देख सकते हैं इन्होंने प्रदर्शन किया है। अगली खबर देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी होमगार्ड जवानों को नियमित करने और 365 दिन का रोजगार देने, महीने में 4 अवकाश प्रदान करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर शास्त्री घर वाराणसी पर धरने देते होमगार्ड। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 41,619 होमगार्ड जवानों की ड्यूटी से वंचित कर दिया गया है। अगली खबर देख लेते हैं, ये राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया होमगार्डों के लिए गृह रक्षा स्वयंसेवकों की पुनर्नियुक्ति करने संबंध में, यानी राजस्थान में आपकी जल्दी है होमगार्डों की नई वैकेंसी आने वाली है जिसके तहत काफ़ी होमगार्डों को है वो भर्ती किया जाएगा। तो ये ऑफिशियल लेटर जैसे कि आप देख सकते हैं सरकार के द्वारा जो आपके गृह रक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये जारी किया गया है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि अगर राजस्थान से है तो होमगार्ड के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जल्दी दोस्तों कल हम नई न्यूज़ के साथ आपके साथ हाजिर होने वाले हैं कि किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज़ होती है लगातार डेली बेसिस हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो दोस्तों आप अपना जो राज्य है, किस राज्य में आप होमगार्ड में कार्य करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं, ताकि दोस्तों जो भी आपके राज्य की न्यूज होगी होमगार्ड संबंधी तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको है वो देखने को मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए नई से नई न्यूज़ है वो लाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद जय भारत।